हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में मोस्टली 3 टाइप्स के ही क्वेश्चन हैं, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज़ अ राइट एंगल एट वाई। एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, सपोज दिस इज द ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहाँ एट वाई का मतलब है कि वाई पर एंगल 90 डिग्री है। नेक्स्ट, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड वाई जेड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एक्स जेड इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस एक्स, टैन एक्स एंड कॉट एक्स। तो पहले हम साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब थीटा हमें एक्स पे लेना है। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के, सामने वाली साइड वो होता है हाइपोटेन्यूज एंड जो बचा वो होता है बेस। तो साइन एक्स का हमें फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, 15 सेंटीमीटर। या फिर पहले ऐसे लिख लीजिए, परपेंडिकुलर इक्वल टू वाई जेड अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू एक्स जेड, देन वाई जेड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एक्स जेड इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 5 5 25, हमें ये आंसर मिल जाएगा। मतलब साइन एक्स जो आ गया हमारा 3/5 आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस एक्स। कॉस एक्स के लिए मतलब यही हम थीटा इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे बेस है वाई जेड एक्स जेड, सॉरी एक्स वाई है यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज है एक्स जेड। एक्स वाई इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड एक्स जेड इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 4 20 5 5 25, ये आ गया कॉस एक्स। नेक्स्ट हम निकालेंगे टैन जेड। अब हमें जेड के रिस्पेक्ट में निकालना, तो थीटा जो है वो हम जेड लेंगे। अब थीटा के सामने वाली साइड जो होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब जो साइड्स हैं वो बदल जाएंगी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज एंड ये हो गया बेस। देन टैन जेड का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर है हमारा एक्स वाई, बेस है हमारा वाई जेड। तो 20/15, 4/3 आ जाएगा इसका आंसर। एंड फिर हमें कॉट एक्स निकालना है, कॉट जेड निकालना है सॉरी। इसका हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब वाई जेड अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15/20, 3/4। सो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में मोस्टली ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे इस ट्रायंगल को समझना होगा। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में जब निकालना था तो थीटा जो हमने लिया था वो एक्स पे लिया था, देन जो साइड थी एक्स पे ही डिपेंड थी, मतलब एक्स के सामने वाली जो थी वो परपेंडिकुलर थी। इसके 90 डिग्री के सामने जो होते वो हाइपोटेन्यूज था और बेस ये था। लेकिन जब हमने जेड के रिस्पेक्ट में निकाला, क्योंकि यहाँ टैन जेड निकालना था, तब हमारा थीटा जो हो गया वो जेड पे हो गया। थीटा के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया यानी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे फोकस करिएगा कि ये जो वर्ड दिए गए हैं एक्स और जेड, इस पे फोकस करिएगा। काफ़ी बार ये गलतियाँ हो जाती हैं कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो सारे हमने एक्स के रिस्पेक्ट में ही निकाल दिए। सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा लेटर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का आता है कि हमें कोई एक दे दिया जाएगा, सपोज साइन थीटा इक्वल टू 3/4, देन हमें टैन थीटा निकालना होगा। मतलब एक हमें रेशियो दे दिया गया होगा, टी रेशियो दे दिया गया होगा एंड हमें दूसरा टी रेशियो निकालना होगा। सो इससे हम सिंपली, हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमें साइन थीटा दिया गया है 3/4। सो इसको हम परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4 मान लेंगे। परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4। अब हमें बेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि पर हमें पता है टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो हमारे पास है पर बेस नहीं है, तो हमें पहले बेस निकालना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पता है हाइपोटेन्यूज जो होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें हमें हाइपोटेन्यूज दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, तो हम जितना हमें दिया गया है उसके स्पेस पे वो रख लेंगे। हाइपोटेन्यूज हमें 4 दिया गया है, 4 का हम स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर हमें 3 दिया गया है, हम 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें बेस निकालना है तो बी हमें दिया नहीं गया तो हमें बी फाइंड करना है। 4 जा 16, 3 जा 9 प्लस बी स्क्वायर। अब हमें बी स्क्वायर निकालना है तो हम 9 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। इसको हमने इस साइड लिख लिया है एंड ये 9 जो हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमें 7 मिल जाएगा। बी इज इक्वल टू आ जाएगा √7। देन हमको पता, अब सिंपली हमें पता है टैन थीटा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 एंड बेस है हमारे पास √7। सो ये क्वेश्चन हो गया कम्प्लीट। इस क्वेश्चन में मोस्टली हमने क्या किया, हमें जो दिया, जो रेशियो दिया गया था उसको उसके कंपेयर किया, उसके फॉर्मूले से कंपेयर किया। यहाँ हमें परपेंडिकुलर मिल गया और हाइपोटेन्यूज मिल गया। हमें पता था टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो हमें यहाँ पे बेस निकालना था। हम कुछ भी निकालने के लिए, मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया होगा तो। इस पाइथागोरस थ्योरम से हमने बेस निकाल लिया एंड सिंपली टेन थीटा के फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, हमें टैन थीटा एक टी रेशियो दे दिया जाएगा एंड हमें एक इक्वेशन दे दी जाएगी, उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमें टैन थीटा दिया गया है 1/√2। टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे हमें दे दिया गया है परपेंडिकुलर है 1 एंड बेस इक्वल टू है √2। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज का हम वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें निकालना है। परपेंडिकुलर है हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस √2 का स्क्वायर कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3, √3 हमें मिल गया। अब हमें इक्वेशन दी गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1/√3। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास √2 है, √2/√3 हो जाएगा। एंड हमें अब सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा हमने निकाला है 1/√2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे प्लस हमने कॉस थीटा निकाला है √2/√3, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/2 हो गया प्लस 2/3 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4, ये हो जाएगा हमारा 4 3 7/6। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं एंड मोस्टली एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन ही आए हैं शॉर्ट में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।